स्वागत है आपका आर्को स्टिचिंग आर्ट चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ ये स्लीव डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो कमीज़ कटिंग के बाद हमारे पास साइड में कपड़ा बचता है, तो मेरे पास ये वो है, तो इसमें स्लीव है जो वो पूरी नहीं बन पा रही थी क्योंकि इसमें मुझे जो है जोड़ लगाना पड़ रहा था, तो जोड़ लगाए हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ डिज़ाइनिंग की है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप भी अपनी स्लीव में ऐसा डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो जो आप स्लीव ऐसे रखकर बीच से कट लगा लें, यहाँ पे दो दो पार्ट कर लें इसके, तो इस तरह आप अपनी स्लीव में है जो ये डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप कपड़े स्लीव की है जो लेंथ रख लेनी है, तो यहाँ पे मैंने अपने स्लीव की लेंथ पहले ही माप रखी थी, तो यहाँ पे मैं फोल्डिंग का निशान लगा रही हूँ और इस फोल्डिंग के निशान से 3.5 इंच मैं ऊपर जो है ओपन का निशान लगा रही हूँ कि यहाँ तक मुझे है जो अपनी स्लीव ओपन रखनी है। ये मैं दोनों तरफ मार्क कर रही हूँ ताकि मैं जो इसमें लेस अटैच करूं तो वो गलत ना कर दूं, तो इसीलिए हमें निशान है दोनों साइड लगाने हैं। सबसे पहले है जो हमें अपनी स्लीव आगे से कितनी ओपन रखनी है उसके लिए, और प्लस मार्जिन का 1 इंच कपड़ा रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है, क्योंकि अगर हम पूरे में निशान, क्योंकि अभी हमने स्लीव है जो कट नहीं की है वो हम लेस लगाने के बाद कट करेंगे, इसलिए ये निशान लगा लें ताकि हमारी लेस ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो हमें इसे ऐसे फोल्ड करते हुए लेस को रखना है और इसे जैसे हम अपने सूट के पल्लों पे करते हैं गुम लेस, ऐसे हमें अपनी स्लीव की मोहरी से अटैच करनी शुरू कर देनी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे हल्का सा फोल्ड कर लेना है और जो है ऐसे रखते हुए इसे सुई बीच में ही रखनी है और घुमा लेना है, और बाद में साइड का जो कपड़ा है इसे भी ऊपर फोल्ड कर लेना है। इसे फोल्ड करते हुए हमें ऐसे ऊपर तक इस लेस को अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर ली है, तो इसे ऐसे फोल्ड करते हुए तरपाई हो जाएगी, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी हो गई है। अब हम इसे ऐसे दूसरे कपड़े को आपको ऐसे रखते हुए जो है अटैच करना है ताकि गलत ना हो जाए, इसीलिए पहले एक पे अटैच कर लें और दूसरे को इस तरह रखते हुए आप देख लें कि ये किस तरफ को फोल्ड होगा। तो ये यहाँ पे मैं इस तरफ को सेम जैसे हमने दूसरे पे लगाई है लेस ऐसे ही इस पे लगाएंगे, फोल्ड करते हुए। आप चाहें तो प्रेस के साथ पहले क्रीज बना सकते हैं या आप पेंसिल वगैरह के साथ इस पे निशान लगा सकते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी लेस को अटैच करने में। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले सीधा लेस को अटैच कर सकते हैं ऐसे जैसे मैं अटैच कर रही हूँ। स्पेशली मैं बिगनर को टिप्स दे रही हूँ क्योंकि उन्हें ऐसे फोल्ड करके कपड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए आप पहले लेस के ऊपर सिलाई लगा लें। ऐसे आप आसानी से इसे फोल्ड कर पाएंगे, जो है गुम लेस को लगा पाएंगे। बस अब आपको ऐसे फोल्ड कपड़े को फोल्ड करना है और लेस के ऊपर रखते हुए जो है इसे यहाँ सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पे ऐसे कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखते हुए हम जो है लेस लगा लेंगे। तो ये लेस जो है वो लग चुकी है। अब जो दोनों साइड हमने लेस जो है अटैच कर ली है, अब इसे ऐसे निकाल के आप चाहे तो इसके किनारे पे है जो है सिलाई लगा सकते हैं। ये ऐसे दोनों तरफ की जो हमने जॉइंट डालना था बीच में, दोनों तरफ है वो हमारी लेस लग चुकी है। अब जो हमने कट लगाया था 3.5 इंच पर, तो उसे ऐसे बाहर की तरफ हम लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कट है जो निशान है वो लगा लिया है। अब मैं यहाँ जॉइंट लेस ले रही हूँ, इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके यहाँ पे बीच में रखेंगे, बीच में रख कर जो हमें इस पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है, अब दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही लेस को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर जो मैंने इसमें धागा है वो लेस के साथ का अटैच किया है, लगाया है मशीन में, ताकि जो हम इसमें धागा है विजिबल ना हो सके, और हमें लेस के ऊपर रख कर ही ये सिलाई लगानी है, कपड़े पर नहीं लगानी है। तो हमारी यहाँ पे ये लग चुकी है। अब हम जो अपनी स्लीव का जो है शेप कट करेंगे, इसमें आपकी जितनी भी स्लीव है आप इसमें अपनी स्लीव को कट कर सकते हैं। जो हमने जॉइंट लेस लगाई है उसे हम सेंटर में रखते हुए अपनी स्लीव को कट करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी स्लीव को कट कर रही हूँ। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ऐसे आपकी स्लीव का जो भी मार्जिन है से रखते हुए निशान लगा लें। तो मैंने अपना जो मार्जिन है वो लगा लिया है। इस तरह आप कम कपड़े में अपनी एक डिज़ाइनर और सुंदर स्लीव बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।